हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका साथी भरत राम सिंह, जनहित स्केल्ड। दोस्तों, ये मेरी टीम है। आज मैं आपको जनरेटर की लॉग बुक में क्या क्या हम रीडिंग लेते हैं, क्या क्या रीडिंग हमें भरनी होती है, और जनरेटर की पीसीसी पे क्या क्या ऑप्शन दिए होते हैं, और हम कौन कौन सी रीडिंग लेते हैं, उन सब के बारे में बताऊँगा। इधर लाइए कैमरे को। दोस्तों, ये हमारी डीजी लॉग बुक का चार्ट है। इसमें दे रखा डीजी नंबर, जो भी डीजी है उसका नंबरिंग, मेक थोड़ा पीछे रखिए, और रेटिंग और सीरियल नंबर इंजन का, डेट, स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम, आरपीएम, फ्रीक्वेंसी, वाटर टेम्परेचर, लूब ऑयल टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर केजी में, और ये हमारी वोल्टेज, करंट आर बाई बी, के डब्ल्यू एच और एम एफ के डब्ल्यू एच कंजप्शन। दोस्तों, यहाँ पे एम एफ दे रखा है। एम एफ ये इसलिए दिया हुआ है, जो हमारे के डब्ल्यू एच मीटर होते हैं उनमें हमें मल्टीप्लाई फैक्टर दिया हुआ होता है। तो यदि हमने कोई मल्टीप्लाई फैक्टर दे रखा है, तो जो भी हमारी के डब्ल्यू एच निकल के आएगी उसमें हम मल्टीप्लाई फैक्टर का गुणा करेंगे। डीजल स्टॉक लीटर, ओपनिंग बैलेंस, डीजल एड, यदि हमने हमारा स्टार्टिंग में कितना डीजल था वो आएगा। डीजल एड, यदि जनरेटर हमारा कंटिन्यू चल रहा, हमने कोई डीजल एड किया है तो हम यहाँ पे डीजल एड दिखाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस, जो हमारा लास्ट में जो डीजी बंद करने के बाद जो भी बैलेंस आया, और यहाँ पे रिमार्क, यदि हमारा जनरेटर ऑन लोड चल रहा है तो हम यहाँ दिखा देंगे पावर फेल, और यदि हमारा जनरेटर हम टेस्टिंग मोड में चला रहे हैं तो हम यहाँ दिखा देंगे टेस्टिंग। इस ठीक इसी तरह से टोटल के डब्ल्यू एच जनरेटेड, जो भी हमारा डीजी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जो भी दिन में डीजी चला उसका टोटल का जब हम 24 घंटे का हिसाब निकालेंगे तो यहाँ पे हम टोटल के डब्ल्यू एच जनरेटेड लिखेंगे। के डब्ल्यू एच लीटर ऑफ एच एच डी, यहाँ कितने लीटर डीजल हमारा कंज्यूम हुआ। लास्ट बी चेक डन एट आवर्स, लास्ट बी चेक जब हमने किया था तो हमारे जनरेटर के रन आवर्स कितने थे। कमलेटिव आवर्स टिल डेट, ये जो हमारा जनरेटर है आज की डेट में कितने हमारे रन आवर्स शो कर रहा है। कूलेंट एड, यदि हमने जनरेटर के रेडिएटर में कूलेंट एड करी है तो यहाँ उसकी कैपेसिटी लिख देंगे लीटर में। ऑपरेटर सिग्नेचर, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इंजीनियर सुपरवाइजर सिग्नेचर। तो ये इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे, ये हमारा पूरे डीजी लॉग बुक हो गई। दोस्तों, बहुत सारे हमारे साथियों का क्वेश्चन होता है कि यूएल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, यूएल निकालने के लिए हम जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है और जो भी हमने डीजल ऐड किया, ओपनिंग बैलेंस प्लस डीजल ऐड और जो भी लास्ट में हमारा डीजल बचा वो माइनस, तो इससे हमारा कंजप्शन निकल जाएगा, डीजल कंजप्शन कितना हुआ। और दोस्तों, जो भी हमारी, जब हम जनरेटर चलाते हैं, जो हमारी ओपनिंग रीडिंग होती है और जनरेटर चलने के बाद जो भी हमारी क्लोजिंग रीडिंग आती है, उस क्लोजिंग रीडिंग से ओपनिंग रीडिंग माइनस करके हमारी के डब्ल्यू एच निकल आती है। तो हम के डब्ल्यू एच रीडिंग जो भी हमारी निकल के आएगी उसमें डीजल कंजप्शन का भाग देंगे, तो इस तरह से हमारा यूएल निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यूएल हमारा 3.6 इस तरह से ये 3.89 तक जाता है, तो जनरेटर की कंडीशन अच्छी मानी जाती है। इधर लाइए, ये हमारा जनरेटर का पीसीसी है, ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप दिया हुआ है, यदि हमें कोई काम करना है इमरजेंसी तो यहाँ से इमरजेंसी स्टॉप कर देंगे। और ये हमारा जनरेटर का हिस्ट्री कार्ड है, जनरेटर की सर्विस कब हुई है, जनरेटर में जब जब कोई मेजर काम हुआ है तो हमने ये हिस्ट्री कार्ड में फिलअप कर रखा है। दोस्तों, ये हमारा स्टॉप बटन है और ये हमारा सीबी क्लोजिंग, हम यहीं से अपने एसीबी को क्लोजिंग की कमांड दे सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं सीबी ओपनिंग, यहाँ से ही हम एसीबी को बंद कर सकते हैं। ये हमारा ऑटो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से हम पुश करेंगे तो जनरेटर ऑटो मोड में हो जाएगा, और यहाँ से हम पुश करेंगे तो जनरेटर हमारा
स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा मैनुअल ऑप्शन दे रखा है, यदि हमें जनरेटर को मैनुअल में रखना है तो यहाँ से पुश करके जनरेटर को हम मैनुअल में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे कई बार जनरेटर पे चलते टाइम कोई छोटा मोटा फॉल्ट आ जाए और यहाँ से हम उस फॉल्ट को रिसेट कर सकते हैं। और ये जैसे दे रखा है जेन सेट रनिंग, ये हमारा इंडिकेशन, जब हमारा जनरेटर चलेगा तो यहाँ पे इंडिकेशन आएगा रनिंग का। रिमोट स्टार्ट, यदि हमने ऑटो में कर रखा है तो यहाँ रिमोट स्टार्ट आएगा। नॉट इन ऑटो, यदि मैनुअल में है तो यहाँ नॉट इन ऑटो का इंडिकेशन आएगा। और यदि हमारा जनरेटर किसी फॉल्ट से बंद हो गया तो यहाँ शुट डाउन शो करेगा। और यदि कोई वार्निंग है तो यहाँ हमारा इंडिकेशन ये बीप करेगा और हमारा डिस्प्ले पे जो भी फॉल्ट होगा वो शो करेगा। इस तरह से हम यहाँ से रिसेट करके फॉल्ट को हटा सकते हैं। दोस्तों एक हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है बल्ब टाइप का शो कर रखा है, तो ये दोस्तों इसलिए दिया हुआ है कि ये जो हमारे डिस्प्ले के पैरामीटर हैं, यदि जनरेटर नाइट रात्रि की शिफ्ट में चल रहा है, इस एरिया में अंधेरा है, तो हम यहाँ से पुश करके इसकी, ये देखो ये सारी लाइट जल गई, तो यहाँ से ये डिस्प्ले की हम लाइट को ऑन कर सकते हैं। तो दिखाइए इस पे क्या क्या पैरामीटर रीडिंग आती हैं। इधर आके सबसे पहले आप दिखाइए आरपीएम, तो इसके चल आरपीएम तो रनिंग मोड में आएंगे, अभी जनरेटर हमारा बंद है, तो आरपीएम का ऑप्शन दिखाइए। ये दोस्तों दे रखा है इंजन स्पीड, यहाँ हमारे जब जनरेटर रनिंग मोड में होगा तो आरपीएम शो करेगा। ये दे रखा है इंजन आवर्स, ये टोटल हमारा 958.6 घंटे अभी जनरेटर चल चुका है। फ्रीक्वेंसी दिखाइए, ये दोस्तों देखो यहाँ पे दिखा रखा हमारा फ्रीक्वेंसी 00HZ, अभी हमारा जनरेटर बंद है, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी और ये हमारा यहाँ पे पावर फैक्टर आएगा और यहाँ पे हमारा लोड दिखाएगा किलोवाट में लोड कितना चल रहा है। और हमारा ये कूलेंट टेम्परेचर दिखाएगा, वाटर टेम्परेचर, और ये हमारा नीचे ऑयल प्रेशर शो करेगा और बोल्ट RYB करंट। ये हमारा यहाँ पे हमारा वोल्टेज दिखाएगा लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, एम्पियर पे लगाइए। और दोस्तों यहाँ पे हमारा ये एम्पियर शो करेगा RYB एम्पियर, किलोवाट में लोड और KVA में लोड और पावर फैक्टर। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे प्रॉपर जो DG लॉग बुक होती है, DG लॉग बुक में क्या क्या रीडिंग होती हैं उन सब के बारे में मैंने बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।